हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी डागर और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई 2021 ह्यूंडई क्रेटा का जो SX वेरिएंट है। पर्टिकुलर कार की बात करूं तो पेट्रोल में है। आज इसी में देखेंगे कि क्या क्या अपडेट्स इसमें अभी हुए हैं, जो अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं क्रेटा के अंदर, तो वो सभी अपडेट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको ऑफर करती है 2021 में। और उससे पहले एक स्पेशल थैंक्स प्राशर ह्यूंडई पलवल हरियाणा को, जिन्होंने कार जो हमें अवेलेबल कराई। अगर आपको प्लान कर रहे हैं ह्यूंडई का प्रोडक्ट और पलवल हरियाणा के आसपास से अगर आप देख रहे हो तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो शोरूम पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अपना बेस्ट कार पे बेस्ट डील जरूर ग्रैब करें और कॉन्टैक्ट करके अपना एक बार जरूर चेकआउट करें कि भाई कौन सी कार पे कौन सी डील आपको बेस्ट मिल सकती है। तो अभी गाड़ी की चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं सभी फीचर्स की। तो और एक बात और भाई, प्लीज़ ये जरूर चेकआउट कर लिया करो कि मतलब शोरूम जो है आपके एरिया से है कितनी दूर, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर से देखोगे आप, मतलब स्टेट से बाहर से देख रहे हो, तो भाई वहाँ पे तो सर्विस अवेलेबल नहीं करा सकता कोई भी शोरूम। तो ये जरूर चेकआउट कर लिया करिए कि मतलब शोरूम आपके एरिया से कितनी दूर है। अभी स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी की चाबी से। तो गाड़ी की चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसी आपको दो चाबियाँ मिलती हैं, दोनों ही काफ़ी प्रीमियम फील होती हैं। ह्यूंडई की दोनों टिपिकल कीज़ आपको ऐसी मिलती हैं, स्मार्ट की मिलती हैं। इन पे आपको ये फीचर्स देखने मिलते हैं, दोनों ही चाबियों भी सेम। डोर्स को लॉक अनलॉक करने की बटन मिल जाती है, इसको दबा कर रखेंगे तो अपना बूट जो है अनलॉक हो जाता है, उसे खोलना आपको तब भी मैनुअली पड़ता है। और ये एक अभी नया फीचर जो ऐड ऑन हुआ ये है कि अब गाड़ी को आप बाहर से स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स इसे दबा के रखेगा तो गाड़ी अपना जो है बाहर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर एसी इसका ऑन है तो एसी अपना ऑन हो जाएगा। आपका गाड़ी में घुसने से पहले आपको केबिन आपका चिल्ड मिलेगा और कुछ ऐसी चाबी देखने के लिए आपको मिलती है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। तो भाई ये आपको जो स्मार्ट की मिलती है, अभी वीडियो खत्म होने के बाद ये पार्ट में ऐड कर रहा हूँ इसमें। अभी आपको जो दोनों स्मार्ट की मिलती है, इनमें आपको फिजिकल की भी आपको देखने के लिए मिलती है। भाई दिखाना खोल के कैसे। तो ये मोस्टली ह्यूंडई के सभी ओनर्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये अपना एक फिजिकल की भी आपको इसमें मिलती है। अगर इसकी बैटरी डेड हो जाती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी कार को अनलॉक करने के लिए। तो यही था, बस इतना ही बताना था। चलो भाई, तो कीलेस एंट्री मिलती है तो अभी आप इसे साइड में रख सकते हो। और यहाँ पर मिलता है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये भी इल्यूमिनेटेड है बट फिलहाल अभी ऑन नहीं है ना। तो अभी देखो आगे ना लाइट इसके अंदर, तो एक बार दबा देते तो अपना ये स्टीयरिंग जो है अनलॉक हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है प्रेस क्लच पेडल टू स्टार्ट द इंजन। मतलब क्लच को भी दबाना पड़ेगा तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। और अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है, जिससे अपने गाने वाने आप प्ले कर सकते हो। और दूसरी बार इसे जब ऑन कर देते हैं तो सामने यहाँ जाती है लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और काफ़ी एम्बियंस तरीके से ग्लो करता है। 8000 तक की RPM मिलती है, 240 की टॉप स्पीड मिलती है इसमें। और देखो बीच में अपना एक MID मिल जाती है, इसमें आउटसाइड टेम्परेचर कितने किलोमीटर चली है, कितनी रेंज बाकी है और गाड़ी से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ पे आपको दिखती रहती है। ये अपना ऐसी कुछ व्हाइट लाइट इनके अंदर मिलती है 8000 तक के RPM, 240 की टॉप स्पीड। अपना टेम्परेचर यहाँ पे दिखता रहता है और फ्यूल अपना यहाँ पे दिखता रहता है और नीचे अपना एमरजेंसी लाइट है जो यहाँ पे ब्लिंक करती रहती है। काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है ये चीज़ भी। और यहीं पे स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और राइट साइड में अपना हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको ऑफर करती है। अभी स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो भाई कुछ ऐसा मिलता है अपना स्टीयरिंग व्हील, एक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, जिसपे अपना लेफ्ट साइड वॉइस कमांड वाले सभी फीचर्स मिल जाते हैं, फ़ोन कनेक्टिविटी वाले, अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सॉरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे अपना क्रूज कंट्रोल और इस बीच वाली MID के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अपना कुछ ऐसा मिलता है ह्यूंडई का लोगो, बीच स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं और एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसपे अपना ब्लैक कलर की स्टिचिंग आपको मिलती है और एक फ्लैट बॉटम डीकट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा लगता है, मीन्स लगता है कि आप एक मस्कुलर कार अंदर बैठे हुए हो। तो ये चीज़ सही है, मतलब फील होता है कि आपने पैसे जहाँ लगाए हैं वो सही जगह पर लगाए हैं। अभी डैशबोर्ड बाद एक सेकंड रुक के करेंगे, ऊपर की साइड से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग भी आपको इसमें मिलती है, बीच में अपना एक सनग्लास होल्डर प्लेसमेंट कुछ ऐसी मिलती है और वाइट थिएटर टाइप लाइट ऐसी मिलती हैं कुछ LED बेस, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती हैं रात के टाइम। और अपना सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और एक बटन दबा के पूरे केबिन की लाइट भी आप ग्लो कर सकते हो पीछे तक इस बटन से। और ये अपना किसी चीज़ का है, मतलब डोर्स पे है, इसे अगर आप कर देंगे मतलब डोर खोलेंगे तो तब गाड़ी की जो लाइट अंदर की वो ऑन हो जाएगी। और अपना सनरूफ का कंट्रोल कुछ ऐसे, तो इसे हमें खोलना नहीं है तो बंद ही कर देते हैं। तो कर्टन भी अपना होता रहता है इसके साथ ही आगे पीछे, तो ये मिल जाता है। बीच में अपना एक स्मार्ट IRVM मिल जाता है ऑटो ट्रिमिंग फीचर्स के साथ और SOS और रोड साइड अपना असिस्ट होता है जो ब्लू लिंक वाले सभी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको वेंट मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिलती है। और सबसे शानदार अब करते हैं डैशबोर्ड की बात, डुअल टोन में ही केबिन आता है पूरा, अपना बेस वेरिएंट से डुअल टोन ऑफर करती है आपको क्रेटा। तो आप देख लो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लगता है यार, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तो और आप देखो ऊपर ही साइड से ब्लैक टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे अपना बेज कलर का पूरा सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। एयरबैग्स की बैजिंग मिल जाती है वहाँ पे और कुछ ऐसे इवेंट्स मिलते हैं।
पैसेंजर साइड और बीच में कुछ ऐसे मिलते हैं। इनके चारों तरफ भी आपको सिल्वर की रिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ मिलता है आपने एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10 पॉइंट कुछ इंचेस का ही, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नेविगेशन के साथ आता है। और एसी का कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसकी भाई टच रिस्पॉन्स है ना, मतलब ऐसी स्मार्टफोन की होती है टच बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल एकदम स्मूथ इजी, कोई लैगिंग नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। सेटिंग वगैरह ये सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, नेविगेशन वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये कलर थीम वगैरह जो कुछ भी मतलब आप यहीं से सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट के बटन मिल जाती है। और यहाँ पे मिलता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक मिनट लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने मिलता है, यूएसबी फोन अपना यूएसबी पोर्ट फोन कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है, और एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है। और यहाँ अपना मिलता है 6-स्पीड मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन, और ये अपना व्यू वाली बटन जो आप देख रहे हो ऐसी है, मतलब जब गाड़ी चलती रहती है तो इस बटन को दबाते ही अपना पीछे का जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे अपना व्यू दिखाना स्टार्ट कर देता है। और एक काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स आपको ये ऑफर करती है, कूल ग्लो बॉक्स इसमें आपको मिलता है, और ये देख लो आप एक बार। और एम्बियंस लाइट भी इसके अंदर आपको मिलती है यहाँ पर ब्लू कलर की, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अपना दो कप होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अपना एक कुछ ऐसा मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक, और एक लेदर रैप आर्म रेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें अपना कुछ इतनी स्पेस आपको मिलती है, मींस दो तीन तो कोक की जो कैन होती हैं, कोको कोला की जो कैन होती हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार। और फैब्रिक सीट्स मिलती हैं कुछ बेज और ब्लैक कलर की कुछ ऐसी, जिन पर अपना ब्लैक कलर की स्टिचिंग आपको मिलेगी, तो ये देख लो आप। और नीचे की साइड भाई आपको तीन पेडल्स मिलते हैं, मैनुअल में अपना वेरिएंट ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक में भी आती है। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे से इतना ही था, कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दें। और इधर की साइड लाइट अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन यहाँ पर मिल जाती है, और लाइट लेवलिंग डायल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी डोर पैनल्स की बात कर लेते हैं कि डोर पैनल्स पर आपको क्या क्या मिलता है, और सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड देन पीछे की स्पेस भी एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। तो अभी डोर पैनल्स की बात करें तो कुछ ऐसे मिलते हैं अपना डोर पैनल्स, ये भी अपना डुअल टोन में आपको मिलते हैं, सिल्वर कलर का डोर लीवर यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ मिलता है अपना पावर विंडोज़ के कंट्रोल, विंडोज़ को लॉक करने वाली बटन, डोर्स को अनलॉक करने वाली बटन, और ये अपना ORVMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कुछ ऐसे, और ये अपना कुछ इन्हीं को एडजस्ट करने वाले कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है क्रेटा की हर कार में, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू के ऊपर होता है, बाकी आता सब में बॉस का ही है जहाँ तक मैं मुझे लगता है, अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। एक बोर्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, थोड़ी स्पेस और मिलती है इसी के साथ में, और यहीं पे अपना बोनट खोलने का लेवर मिल जाता है, और अपना फ्यूल लिड खोलने का लेवर यहीं पर मिल जाता है। अभी सीट की पोस्टिंग आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अभी चलते हैं पीछे की साइड और पीछे की स्पेस चेकआउट कर लेते हैं कि पीछे आपको कितनी स्पेस ऑफर करती है, आगे से इतना ही था। और यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट भी आपको मिलती है, अभी सीट दिखा देता हूँ। तो भाई ये आपको 6-वे मैनुअल एडजस्टेड मिलती है ड्राइवर सीट, डुअल टोन में ऐसी, और इनकी पोस्चरिंग आप देख लो काफ़ी ज़्यादा शानदार, मतलब बैठते लगता है कि हाँ भाई बैठे हो आप कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें, चाबी निकाल लेते हैं अभी इसकी और चलते हैं पीछे की साइड। और ये इसका प्लेट्स भी आपको देखने को मिलती है एल्यूमिनियम की, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती हैं, जो कि अभी दिखा देता हूँ पीछे का व्यू। तो अभी पीछे की स्पेस चेकआउट कराने से पहले आपको डोर पैनल दिखा देता हूँ। तो फुल अपना डुअल टोन में मिलता है पीछे का डोर पैनल, ये भी अपना सिल्वर कलर का मिलता है डोर लेवर, मतलब लगता है भाई फील तो होती है चीज़ प्रीमियम है। और यहाँ पे अपना कंपनी फिटेड कर्टन्स आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे, इन्हें आप ईजिली ऐसे निकाल भी सकते हो एक ऐसे करके, और इन्हें यहाँ पे ले जाके बस ऐसे हैंग करना होता है, तो आप ऐसे नहीं एडजस्ट कर सकते हो, कंपनी फिटेड हैं। और अपने यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाती है, एक बोतल प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है, और स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे भी अपना प्लास्टिक की इसका प्लेट आपको देखने के लिए मिलती है। अभी दिखा देता हूँ पीछे की स्पेस कि आपको पीछे से कितनी स्पेस ये ऑफर करती है। तो भाई सीट जो है मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और आप देख लो मेरी हाइट जो है 5'9" है मीन्स, और अभी मेरे पास देख लो भाई पूरा एक हाथ से ज़्यादा स्पेस मेरे पास यहाँ पर है, मतलब 6 फुट का बंदा भी अगर आगे बैठा और पीछे भी बैठा हो ना तो भी उसके पास कम से कम इतनी स्पेस तो बची जाएगी। और पीछे से आप देख लो एक बार डोर पैन अपना डैशबोर्ड का व्यू डुअल टोन में, और ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुली खुली सी फील होती है। और ये एक मान तो मतलब कह सकते हो आप कि हाँ भाई ये एक प्लस पॉइंट वाला ऑप्शन है कि मार्केट में इसने अपना जो है नाम बनाया हुआ है पैनोरामिक सनरूफ की वजह से। और यहाँ अपना कुछ ऐसी वाइट लाइट्स आपको पीछे मिलती हैं, इनमें 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेडरेस्ट ये मिलते हैं, और ये कुशन्स भी आपको मिलते हैं क्रेटा जिनके ऊपर लिखा हुआ है।
बीच अपना दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। सीट्स के पीछे अपना मैगजीन होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों ही सीट्स पे, और एक दो और तीन ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और इन्हीं के अंदर अपनी लाइट मिल जाती है क्योंकि यहाँ तो भाई लग नहीं सकती, यहाँ पर तो एक कर्टन आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बीच में यहाँ पर अपना एक आर्म रेस्ट भी मिलता है, फिलहाल इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है तो भाई मैं नहीं फाड़ूंगा इसे बिल्कुल भी, और दो कप होल्डर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बीच में एक मिनिमल सा हम्प आपको देखने को मिलता है, मीन्स तीन बंदे इजीली बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। और स्पेस देखो भाई खूब, मतलब लगता है कि हाँ भाई एसयूवी के अंदर जो आती है स्पेस है इसके अंदर, एक प्रीमियम एसयूवी आप इसे कह सकते हो। एक बार और देख लो पीछे से, तो अभी कर लेते हैं बूट कैपेसिटी की बात, देन बाहर की प्रोफाइल एंड देन लास्ट में इंजन कंपार्टमेंट। तो अभी बूट कैपेसिटी की तरफ चल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो अपना मैग्नेटिक बटन से आप इसे खोल सकते हो, दूसरा यहाँ से ऐसे बटन को अगर ऐसे होल्ड करके रखते हो तो लाइट जल चुकी है, मीन्स ये अनलॉक हो गया है और इसे खोलना आपको मैनुअल पड़ेगा। पकड़ो भाई आप इसे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक बटन मिलती है आप उससे भी खोल सकते हो इससे, बट वैसे भी खुल जाता है। और यहाँ आपको 480 लीटर्स के आसपास की बूट कैपेसिटी मिलती है, पार्सल ट्रे मिल जाती है और इसके अंदर ये लाइट भी आपको मिलती है। अभी आप आइडिया लगा लो, जो बेस वेरियंट था ई उसमें से ये पड़ल ये जो बूट लैम्प है गायब हुआ था, तो ये देख लो ये फीचर था जो उससे मिसिंग हुआ था, तो ये लाइट यहाँ पे मिलती है आपको। फुल प्रैक्टिकल स्पेस मिलती है, मींस नो लोड लिप, और इसी के नीचे अपना मिल जाता है स्पेयर व्हील यहाँ पे कुछ ऐसा अपोलो का। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो 205/65R16 16 इंच का स्टील व्हील आपको ऑफर करती है एक क्रेटा, जो कि स्पेयर व्हील में आता है। तो अभी आप देख लो पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी इसे बंद कर देते हैं, अभी कर लेते हैं गाड़ी की बाहर की प्रोफाइल की बात। तो अभी सामने से लाइट आ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर से ब्लैक कलर में और है। तो अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो अभी गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये SX 2021 क्रेटा जो आपको क्या क्या ऑफ़र करती है, क्या कुछ चेंजेज इसके अंदर हुए हैं। तो फ्रंट से आप देखोगे तो ये ट्रायोजन बीम जो हेडलैम्प्स हैं LED हेडलैम्प्स, ये आपको मिलते हैं, वाइट लाइट ऑफर करते हैं। और ये DRLs आपको काफ़ी मस्त यहाँ पे मिलती हैं, अपना फॉग लैम्प्स और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको यहीं पे मिल जाती है। और अपना गन मेटल फिनिश में अपना एक स्किड प्लेट जैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्रोम की काफ़ी बड़ी सी एक लिप मिलती है सामने ग्रिल पे, और ये कुछ ऐसे प्लस के निशान आपको मिलते हैं जो कि मतलब लगते हैं, मस्कुलर सी लगती है काफ़ी। Hyundai का लोगो मिल जाता है और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये देख लो आप एक बार साइड से, ब्लैक कलर में भाई काफ़ी ज़्यादा बिकती है, मींस बेस वेरिएंट्स ही ऑफर करती है क्रेटा अपना ब्लैक कलर जो है, तो इस चक्कर में। और अभी देख लो आप साइड से कुछ ऐसी दिखती है। टायर साइज़ की बात करें तो अपना यहाँ पे 215/60R17 मीन्स 17 इंच के कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स ही ऑफर करती है। और जो स्पेयर व्हील है वो अपना 16 इंच का मिलता है, और JK के टायर ही आपको ऑफर करती है स्टैंडर्ड जो 4 आते हैं, और जो स्टेपनी है वो आपको अपोलो की मिलेगी। क्लैडिंग आपको पूरी कार पे देखने के लिए मिलती है जो कि SUV के अंदर आती है तो होनी भी चाहिए। और देख लो, और आप देख लो फुल ब्लैक अपना बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं इंडिकेटर्स के साथ, और इनमें वेलकम फीचर भी आता है, मीन जब आप गाड़ी के पास जाओगे तो अपने आप ही ओपन और क्लोज हो जाते हैं। साइड में क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं इन्हीं के ऊपर। और सिल्वर कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपको हर वेरिएंट में मिलेगा, मीन्स बेस वेरिएंट से मिलेगा। और पीछे देख लो आप, यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक की ऑफर करती है। और पीछे से अभी स्टार्ट करें ऊपर की साइड से, तो शार्क एंटीना मिल जाता है अपना, रूफ रेल्स मिल जाती हैं कॉन्ट्रास्टी सिल्वर कलर में, काफ़ी बड़ा सा स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे अपना डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है Hyundai के लोगो, क्रेटा की बैजिंग खुली खुली, और LED बेस कुछ ऐसे मिलते हैं टेल लैंप्स, मॉडल SX की बैजिंग। मैं बोल रहा था ना भाई ई वाली वीडियो में कि मीन्स ये SX और SX ऑप्शनल में ही आती है शायद ये बैजिंग, उससे नीचे वेरियंट्स में नहीं आती है। और यहाँ पे मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर जो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 मतलब बेस वेरिएंट्स ही आते हैं। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिलती है रिफ्लेक्टर्स के साथ, और नीचे अपना ऐसी गन मेटल फिनिश में अपना पीछे की स्किड प्लेट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप देख लो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। तो अब भी बात कर लेते हैं इंजन कंपार्टमेंट की, कि इंजन कंपार्टमेंट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है और कैसे मिलती है एक पेट्रोल इंजन की प्लेसमेंट SX मॉडल में। तो ये आप देख लो एक बार पूरी प्रोफाइल इसकी। तो अभी इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन पैडिंग भी देखने के लिए मिलती है, और काफ़ी हैवी बोनट है भाई इसका,
ये अभी हमारे भाई ने उठाया और ये भाई ने ओपिनियन दिया भाई काफ़ी हैवी है, और ये मैंने उठा रखा होल्ड कर रखा तो काफ़ी हैवी है, बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई नो इशू। और यहाँ पे अपना 1462 सीसी का एक पेट्रोल इंजन आपको मिलता है जो 113 bhp निकालता है, 144 अपना न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और 16 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। आप एक बार देख लो इंजन प्रोफाइल, फुल नीट एंड क्लीन। तो अभी भाई बंद कर दो आप इसे। तो भाई ये थी 2021 क्रेटा SX पेट्रोल में, और क्या क्या है आपको फिलहाल के टाइम में ऑफर करती है ये अभी आपको दिखाया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट्स में बता सकते हो ताकि उसे आगे इम्प्रूव करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली ऐसी धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, बाय बाय।